नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी जो फ़ोन में आप ऐप डालते हैं या आपके फ़ोन में कोई ऐप है जिसमें आपकी पासवर्ड नीड होती है, जो आप पासवर्ड डालते हैं और बाद में आप भूल जाते हैं कि वो पासवर्ड क्या है, या आपको पासवर्ड पता करने होते हैं, या आप जीमेल का भी पासवर्ड आपके फ़ोन में है, यदि पासवर्ड भूल चुके हैं तो जीमेल में आप फ़ोन में जीमेल जो होता है उससे कैसे पता कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट आपके फ़ोन में ऐप होते हैं जहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होता है, आईडी डालना होता है, और बाद में आप उस ऐप में जो पासवर्ड और आईडी डलती है उसका पासवर्ड आप भूल जाते हैं या आईडी भूल जाते हैं, तो आप उसका आईडी और पासवर्ड कैसे पता करें, मैं आपको ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मेरे वीडियो को पूरी तरह से आप बने रहें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये फर्स्ट है कि जो मैंने आपको बताया कि किसी भी ऐप का पासवर्ड निकालें सिर्फ एक मिनट में, वही है, आपको एक मिनट में ही मालूम चल जाएगा इसमें कि आप अपने फ़ोन में जो भी ऐप हैं उसमें जो पासवर्ड आपने यूज़ किया था या आपने डाला था उसका पासवर्ड यदि भूल चुके हैं तो आप पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। फ़ोन के जो आप अब जब सेटिंग ओपन होता है तो आप सेटिंग में जाएं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। सेटिंग में जैसे ही आप जाते हैं, आप नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो आप देखते हैं कि गूगल लिखा हुआ है। गूगल आपका दिखेगा यहाँ पे, हर फ़ोन में होता है, सेटिंग में आप जा लेते हैं तो गूगल पे जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ पे आप नीचे देखेंगे, गूगल पे जैसे क्लिक करते हैं आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एड्स लिखा होता है, उसके नीचे होता है ऑटोफिल। ऑटोफिल पे आपको क्लिक करना है। ऑटोफिल पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑटोफिल के अब कैटेगराइज में एक बहुत सारे तीन ऑप्शन आए हुए हैं, ऑटोफिल विथ गूगल, फ़ोन नंबर शेयरिंग और SMS वेरीफिकेशन कोड। आपको क्लिक करना है ऑटोफिल विथ गूगल पे, आपको क्लिक करना पड़ता है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद ऑप्शन आ जाता है पासवर्ड का। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जहाँ पे नीचे आपको देखेंगे पासवर्ड, जिसमें 3 स्टार बने होते हैं। पासवर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन बना हुआ जाता है बहुत सारा ऐप, मतलब जैसे ही आप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके फ़ोन में ऐप होते हैं, जो भी आप अपने ऐप को यूज़ किया हुआ है या इंस्टॉल किया हुआ है फ़ोन में जिसमें आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ी होगी और आपने कभी भी आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन किया होगा, इवन आप यदि आप कोई ऑनलाइन क्रोम पे भी आपने कोई आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आपने लॉगिन किया होगा आईडी और पासवर्ड से, तो उसका भी पासवर्ड और आईडी आपको आईडी और पासवर्ड दोनों मिल जाएगा यहाँ पे देखने पे। तो फिलहाल मैं वही बता रहा हूँ कि आपके फ़ोन में जो भी ऐप हैं वहाँ पे आप पता कर सकते हैं। मैं मेरे फ़ोन में एक IRCTC का एक ऐप है जिसका मैं बराबर आप यूज़ करता रहता हूँ इसको, और मैं उसका पासवर्ड भूल चुका हूँ। तो वो देखने के लिए क्या है कि आप, मैंने ये जो बताया था पासवर्ड पे क्लिक करना है, पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको हर ऐप का दिखेगा, जो भी ऐप आपके फ़ोन में है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो भी ऐप पे तो यहाँ पे लिखेगा व्यू, एडिट और डिलीट पासवर्ड। व्यू पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आईडी और पासवर्ड दोनों आपका दिख जाएगा, आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बेहतर है तरीका कि यदि आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप होते हैं और आप यदि उस पक्का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप पता कैसे कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा वीडियो था आपके लिए, ताकि आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे होंगे फ़ोन में, इंस्टॉल्ड किए होंगे और आपने उसका पासवर्ड भूल गए होंगे तो आप पता कैसे कर सकते हैं। इवन आप जीमेल का भी पासवर्ड पता कर सकते हैं, यदि पासवर्ड पर आप क्लिक करते हैं आपको दिख जाएगा जीमेल का भी, आप जीमेल का भी पासवर्ड यहाँ से मोबाइल से पता कर सकते हैं कि आपके जीमेल आईडी का पासवर्ड क्या है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस तरह के वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।